हरे कृष्णा, आप मुझे जहाँ भी सुन रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, आप मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। एक प्रश्न है जो बार बार लगातार पूछा जा रहा है, क्या देसी घी उपयोग करने से जहाँ ये परमानेंट ख़त्म हो जाएंगी? तो उसी के उत्तर मैं आपको दूंगा यहाँ पर। और पहले कुछ व्यूअर्स ने जो कमेंट किए हैं, जिन लोगों ने देसी घी यूज़ किया है, उन लोगों को मैं कमेंट पहले रीड कर लेता हूँ, फिर आप खुद देखिए कि देसी घी से झाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, या फिर नहीं होती तो फिर कैसे होती हैं। चलिए, पहला कमेंट है सुमन राणा का। सर, मुझे भी झाइयाँ थी, मैंने 3 महीने से देसी घी लगाया है पर अब बहुत ठीक हो रही है। थैंक यू सर जी। दूसरा कमेंट है प्रभाकर का। मैंने देसी घी का उपयोग अपने चेहरे की झाइयों में उपयोग किया और मुझे इससे काफ़ी फर्क नज़र आ रहा है, पहले से हल्की दिखने लगी हैं। तीसरा कमेंट है सारिका। हेलो सर, मेरे फेस पर पिगमेंटेशन थी 15 सालों से, मैंने आपकी वीडियो देखा और फेस पर सलाइवा लगाया और रात को देसी घी लगाया, 11 मार्च से स्टार्ट किया और स्किन में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, थैंक यू सो मच। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने ये बताया था कि रात में तो आप देसी घी लगाइए और सुबह सुबह उठ के सलाइवा लगाइए, लार लगाइए चेहरे पर जहाँ जहाँ पे आपके झाइयाँ हैं। तो इन्होंने वैसे ही किया और उनको काफ़ी फ़र्क है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं रात को सोते हुए, केवल उन एरियाज़ पर आप देसी घी लगाइए, हो सके तो गाय का, ये नहीं अवेलेबल है तो भैंस का, केवल उन एरियाज़ पर जहाँ पे आपको झाइयाँ हैं केवल वहाँ पे आप घी लगाइए और सुबह सुबह उठ के चेहरे को धो लेना एक बार किसी भी चीज़ से, हल्के गुनगुने पानी से, ताकि चिकनाई हट जाए वहाँ से, और फिर सुबह का सलाइवा लगा लीजिए आधा पौन घंटा एक घंटे के लिए, फिर उसके बाद में हल्के से गुनगुने पानी से चेहरा धो लीजिए। सोनू वर्मा, सर मैंने स्किन शाइन लगाई थी 4 साल पहले, स्किन काली हो गई, पतली पड़ गई, ग्लो नहीं रहा, खराब हो गई, क्या मैं देसी घी लगा सकती हूँ और दिन में कितनी बार लगाना है प्लीज़ बताएं, उम्र 25 साल। आपको पिछले कमेंट में इसका आंसर मिल गया है। तो देखिए, देसी घी उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जिन लोगों की कंडीशन ये होती है, जैसे इनकी कंडीशन है सोनू की। देसी घी आप लगाइए रात को सोते हुए, ठीक है, जो आपकी स्किन पतली है वो कुछ समय बाद मतलब कि कम से कम 3 महीने में आपकी नेचुरल जो स्किन होती है, जो 5 की 5 लेयर होती हैं, वो आपकी रिपेयर हो जाएंगी, वो आपकी आ जाएंगी, परतें हैं ब्लैक होती रहेगी, काली पड़ जाएगी आपकी त्वचा स्टार्टिंग में, 1 महीना 2 महीना 3 महीने लगभग आपकी जो त्वचा काली पड़ेगी वो मेरे अनुमान के हिसाब से 60 दिन और 90 दिन, 90 दिन के अंदर अंदर या 120 दिन के अंदर अंदर आपकी 3 लेयर उतर चुकी होंगी, जो डेड हो चुकी होंगी, और 4थी लेयर जब आपकी आएगी तो वो नॉर्मल त्वचा की आएगी, फिर केवल आपके त्वचा के अंदर जो ओरिजिनल डिजीज़ है, यानी कि जो साइड इफ़ेक्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे जो 4 साल पहले आपको हुए थे स्किन साइन से, केवल देसी घी है जो ख़त्म कर सकता है। 4 साल से आपको साइड इफ़ेक्ट हैं, इसका मतलब यह है कि 4 साल के अंदर अंदर आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया होगा, आप देसी घी उपयोग कीजिए 3 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में, फिर मुझे फिर से आप रिप्लाई कीजिएगा और 4 महीने के बाद में मैं फिर से आपका कमेंट रीड करूँगा, ठीक है। केवल देसी घी ही आपके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकता है, दुनिया में कोई और चीज़ नहीं है जो कि आपके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकती है। तो देसी घी यहाँ आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा, तो आप लगाइए, लेकिन ध्यान रखिए स्टार्टिंग में 30 दिन 60 दिन आपकी त्वचा काली पड़ेगी, आपकी जब 3 लेयर जब उतर जाएंगी त्वचा से आपकी, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ मेरा चेहरा अब अच्छा हो गया है, पहले जैसे ही आपका स्किन का टेक्सचर हो जाएगा और पहले से भी बेहतर आपका स्किन का टेक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ देसी घी अमृत है। और जो देसी घी वाली वीडियो जिसमें लगभग 1 मिलियन व्यूज़ पहुँचने वाले हैं, वो केवल मैंने इसीलिए बनाई थी कि जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ख़त्म हो जाए, लेकिन लोगों ने उसको दूसरी तरीके से समझ लिया। निशा, सर मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, क्या मैं नीम पी सकती हूँ? नहीं, आप नहीं पी सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग रोक देने के बाद में तो आप नीम पी सकती हैं। पीयूष मिश्रा, मैं रंजिता मिश्रा फ्रॉम जयपुर,
रवि रवि जी शायद किसी को रिप्लाई दे रहे हैं, रवि जी मुझको भी फ़ायदा हुआ है, मेरा भी चेहरा काला हुआ था, देसी घी लगाने के बाद मैं चेहरे का काला हुआ था बट अब लाइट हो रहा है, मैं घी और कोकोनट ऑयल भी लगा रही हूँ और सर से मेडिसिन भी ले रही हूँ। अच्छा, ये मुझसे मेडिसिन भी ले रही हैं। मुझे ओनली 1 मंथ हुआ है, बहुत फ़र्क है, दिन में मक्खन लगाकर मसाज भी करती हूँ, नहाने से पहले मुझे फ़ायदा है अभी। तो क्या करती हैं, रात को देसी घी लगाती हैं, दिन में कोकोनट ऑयल लगाती हैं और नहाने से पहले ये मक्खन की मसाज भी करती हैं, साथ में मेडिसिन भी ले रही हैं। तो इनको 1 महीने के अंदर अंदर फ़ायदा मिल रहा है। आप लोग भी ये काम करके देख सकते हैं। और देखिए, आप लोग कहते हैं कि मैं ट्रीटमेंट के लिए फ़ोर्स करता हूँ, तो ट्रीटमेंट के लिए कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो 3 काम ये कर रही हैं, आप काम कीजिए। ट्रीटमेंट के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा उसका। सौरभ का कमेंट है, सर मैं देसी घी 44 दिन से लगा रहा हूँ, मेरे मेलाज़मा को आराम मिल रहा है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे चिक्स और मेलाज़मा था, अब कंडीशन ये है कि देसी घी लगाने के बाद कि मेरे चिक्स की जगह पर मेरी पुरानी स्किन वापस आ रही है, यानी कि मतलब आपकी जो नॉर्मल त्वचा है वो वापस आ रही है। अब मुझे ये बताइए कि पूरी स्किन मेरी साफ़ हो जाएगी, प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिए, अभी मैं इसका आपको आंसर दूंगा, बने रहिए कमेंट में। ज्योति चौधरी का मैंने कमेंट इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था और मैंने कहा था कि आपने कैसे यूज़ किया, आपकी उम्र क्या है, ये मुझे आप जरूर बताइए। इन्होंने कहा था कि देसी घी लगाने से मेरी झाइयाँ पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। तो इनका कमेंट ये आया है, मैंने 2 महीने घी लगाया था, पहले मेरा चेहरा काला हुआ था, फिर धीरे धीरे काली चमड़ी उतरने लगी, उसके बाद चेहरा साफ होने लगा। देखिए, ये हर एक पेशेंट के साथ में होता है। 100 पेशेंट अगर घी लगाते हैं तो कम से कम 95 पेशेंट के साथ में यही सिम्टम्स आते हैं कि पहले चेहरा काला होता है, 30 दिन होगा, 60 दिन होगा, 90 दिन होगा, उसके बाद में परतें आपकी उतरती रहेंगी, जितना आपने डैमेज किया है परतों को उतनी परतें ही आपकी उतरेंगी, उतना ही लंबा समय आपको लगेगा। मेरी उम्र 23 साल है, मुझे प्रेगनेंसी में झाइयाँ हुई थी तो मैंने डॉक्टर से एक ट्यूब ली और लगाई, जिससे मेरा चेहरा और भी ज़्यादा काला हो गया, ऐसा दिख रहा था कि जैसे चेहरा जल गया हो। आप में से बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि चेहरा जल गया हो। अब मेरा चेहरा एकदम साफ़ है घी से। जब मेरा चेहरा काला पड़ने लगा तो एक बार को मैं भी डर गई थी कि कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, बट आपने बोला था कि एक बार चेहरा काला पड़ता ही है, इसलिए मैंने बंद नहीं किया और आज मेरा चेहरा एकदम साफ़ है। बहुत खुश हूँ, थैंक यू भैया। देखिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं आपको बोलता हूँ कि चेहरा काला ज़रूर पड़ता है स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें, निराश मत होइए। चलिए, अब मैंने यहाँ कमेंट आपके सारे पढ़ने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि देसी घी से झाइयाँ जाती हैं कि नहीं जाती हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देसी घी जब अप्लाई करते हैं तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है जिन्होंने स्टोरेट क्रीम लगा के अपने चेहरे को डैमेज किया हुआ होता है। देसी घी आपके चेहरे को न्यूट्रिशन देता है, आपके चेहरे को मॉइस्चर देता है। तो अगर 1000 पेशेंट अगर यूज़ कर रहे हैं देसी घी को, तो उसमें से 5 पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, जिनके झाइयाँ बहुत लंबे समय से नहीं हैं या फिर जिनके झाइयाँ स्टोरेट क्रीम लगाने की वजह से हुई हैं। 5 पेशेंट की संख्या बहुत कम से कम है, जबकि आराम मिलने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिससे मैंने भी आपके सामने कमेंट पढ़े हैं, तो आराम वाले मिलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं सेफ पॉइंट हमेशा लेके चलता हूँ, हमेशा सेफ साइड को मैं चुनता हूँ, तो ये मेरी सेफ साइड है। आप यूज़ कीजिए 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने। जिन लोगों को घी से दाने निकल रहे हैं वो लोग यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उनकी त्वचा ब्लॉक हो रही है घी लगाने से, तो वो लोग यूज़ मत कीजिए। अगर वो कर रहे हैं तो सुबह सुबह उठ कर गुनगुने पानी से चेहरा धोइए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो हो सकता है कि चेहरे पर दाने ना निकले। देसी घी से क्या चेहरा ठीक हो जाएगा, क्या झाइयाँ ठीक हो जाएंगी? जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ, कुछ रखा हुआ भी नहीं है मेरे साथ में उदाहरण देने के लिए। चलिए, जैसे मान लीजिए ये 5 हैं, ठीक है, ये सबसे अंदर का मेरा कमरा है, सबसे अंदर का, ये उससे बाहर का कमरा, ये उससे बाहर का कमरा, ये उससे बाहर का कमरा, और ये सबसे बाहर का कमरा, ठीक है। तो सबसे बाहर की त्वचा आपकी ये हो गई, जहाँ पर आपको कालापन दिखता है, आपको लगता है कि झाइयाँ यहाँ पर हैं, लेकिन झाइयाँ आपके यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है झाइयाँ आपकी, आपके सबसे अंदर वाले कमरे में, सबसे अंदर वाले कमरे में आपके कचरा भरा पड़ा है, कूड़ा भरा पड़ा है, झाइयाँ आपकी यहाँ हैं। तो आप मुझे खुद बताइए,
मान लीजिए यहाँ मेरा सबसे अंदर वाला कमरा है, पांचवा कमरा जो बिल्कुल घर के अंदर है, यहाँ पर पूरा का पूरा कचरा भरा पड़ा है और इस कचरे की वजह से पूरे घर में दुर्गंध आ रही है और इस कचरे की वजह से पूरा का पूरा घर के बाहर तक दुर्गंध आ रही है। घर के बाहर दुर्गंध आने का मतलब कि यहाँ पे भी आपको कालापन दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको कालापन दिखाई दे रहा है, झाइयाँ आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, खुद आप कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे मैं चाहे कितना भी अच्छा परफ्यूम छिड़क लूँ, कितना भी महंगे से महंगा मैं कुछ भी यहाँ पे पेंट करा दूँ, टाइल्स लगा दूँ, फ्लावर पॉट लगा दूँ, फुलवारी लगा दूँ, कुछ भी मैं लगा दूँ, क्या यहाँ की गंदगी साफ़ हो पाएगी? इस कमरे की गंदगी साफ़ हो गई केवल यहाँ सफाई करने से? या फिर यहाँ अगर कूड़ा है पांचवें कमरे में, तो क्या यहाँ पे साफ़ करने से, इस जगह को साफ़ करने से क्या इसका कूड़ा साफ़ हो जाएगा? पांचों वाले घर का जो अंदर कमरा है या पांचों कमरे का कूड़ा साफ़ हो जाएगा? आप मुझे बताइए, नहीं साफ़ होगा ना। ऐसे ही हमारी त्वचा की 5 लेयर होती हैं। ये सबसे अंदर की लेयर से झाइयाँ शुरू होती हैं, इस लेयर से। पहले वो इस लेयर में आती है, लगभग 40 दिन बाद फिर इस लेयर में, फिर 40 दिन बाद इस लेयर में, फिर 40 दिन बाद इस लेयर में, फिर 40 दिन बाद आपके इस लेयर में, यानी कि 4 × 4, 4 × 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। जब आपको झाइयाँ होती हैं सबसे इस लेयर में, तो कम से कम 120 से 160 दिन बाद में आपको चेहरे पे दिखाई देती हैं। यानी कि अगर आपके आज कोई स्पॉट हुआ है, इसका मतलब 120 दिन पहले वो यहाँ बन चुका होगा, आपके इस घर में बन चुका होगा, आपके इस लेयर में बन चुका होगा, तभी आपको जाके वो आज दिखाई दिया है। ठीक है, ऐसे ही जब कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमेशा 3 साइकिल का वेट कीजिए। 3 साइकिल कैसे होती है कि कुदरत ने हमें दिया है कि ये ऊपर की त्वचा खुद पील ऑफ होती रहती है, मतलब कि ये पील ऑफ हो जाएगी तो अंदर से ये जो त्वचा है ये आपकी फर्स्ट लेयर बन जाएगी। अंदर से लेयर आती रहती हैं, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, बट यहाँ से डेड स्किन उतरती रहती है। तो जो परत उतरने की बात बोलता हूँ देसी घी से, वो ये वाली परत उतरती रहती है आपकी। ठीक है, जैसे आपने देसी घी लगाया, 40 दिन में आपकी ये वाली परत उतर गई। ठीक है, तो फिर ये जो है, ये जो चौथी थी, अभी आपकी पांचवी बन गई है, या मतलब ये जो दूसरी परत थी, पहली परत आपकी बन गई है। ठीक है, फिर ये उतरेगी, फिर इस तरह से चलती रहती है। तो एक समय ऐसा आता है कि ये जो आपकी परत है ना, ये यहाँ पे आ जाती है और इसके जगह फिर नई नई परतें आती रहती हैं। ठीक है, आप बात को समझें, एक परत से दूसरी परत रिप्लेस होती रहती है बाहर की तरफ को। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले 3 परत का आप वेट कीजिए, यानी कि लगभग 120 दिन का वेट कीजिए। अगर आप कुछ भी लगा रहे हो, चाहे देसी घी हो, वो चाहे ट्रीटमेंट हो, 120 दिन के बाद आप देखिए कि फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। और फ़र्क के लिए मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पैचेस गायब के गायब होने शुरू हो जाएंगे। पुरानी वीडियोज़ आप देखिए और बहुत ध्यान से आप वीडियो देखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उत्तर मिल गया होगा इसका, कि क्या देसी घी से झाइयाँ जा सकती हैं ऊपर के लगाने से या नहीं जा सकती हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो यहाँ काम कर दे, हो सकता है कि वो इस लेयर पर काम कर दे, तो आप खुद सोचिए इस लेयर पर कैसे काम करेगा। ठीक है, जिन लोगों की जा रही हैं झाइयाँ, वो उनकी ऑटोमेटिकली जा रही हैं। ऑटोमेटिकली कैसे? जैसे मान लीजिए उनके लाइफ में कोई स्ट्रेस फैक्टर था, वो स्ट्रेस फैक्टर बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, बहुत जल्दी आया, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, तो उनकी झाइयाँ ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। और आप में से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी ऑटोमेटिकली चली भी गई होगी। अगर 100 पेशेंट को झाइए हैं, तो 100 में से 20 पेशेंट तो ऐसे ही सही रहते हैं, बिना किसी दवाई के अपने आप चली जाती है। हमारी माता जी को हुई थी, अपने आप चले गई उनकी, 3-6 महीने में उनकी खुद चले गई। तो 100 में से 20 पेशेंट को खुद चले जाती हैं, और जो 80 पेशेंट जो बचते हैं, उनमें से 20 पेशेंट की चली जाती है अपने डाइट को चेंजेस करने से, अपनी दिनचर्या में बदलाव करने से, मेडिटेशन करने से। केवल जो 60 पेशेंट बचे हैं, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपके पहले यही सजेस्ट करूँगा कि पेशेंस रखिए, पहले देसी घी आप यूज़ कीजिए, मुँह का सलाइवा आप यूज़ कीजिए, कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए जैसा पिछली वीडियो में बताया गया है, वो चार्ट डाउनलोड कर लीजिए आपके शरीर की प्रकृति का, कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है, इससे पिछली वीडियो में वो है, वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए आप, askhealthguru.com पर जाकर फ्री चार्ट है, डाउनलोड कर लीजिए, अपने शरीर की प्रकृति का पता लगाइए। और मैं इस चैनल पर प्रकृति की वीडियो अपलोड करूंगा कि अपनी प्रकृति के हिसाब से आप किस तरह की डाइट ले सकते हैं, किस तरह का परहेज कर सकते हैं, किस तरह के योगासन, किस तरह के एक्सरसाइज कर सकते हैं, कि आप अपने 80% रोग बिना किसी औषधि के ख़त्म कर सकें। और जब बिना किसी औषधि के आप ख़त्म कर देते हो, तो आप शक्तिमान बन जाते हो, आप सुपर ह्यूमन बन जाते हो, क्योंकि फिर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप किसी भी छोटे मोटे रोग को ख़त्म कर सको। और आपको पता भी नहीं लगेगा शरीर के अंदर कब आया और कब चला गया, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है
ठीक है, चलिए अपने प्रश्न आप जरूर पूछिएगा और अपने एक्सपीरियंस मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के काम आते हैं। वीडियोस लंबी जरूर हो जाती हैं, लेकिन आप इतने बहुत पेशेंस से आप देखते हैं, बहुत ध्यान से आप सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाएँ। मैं प्रार्थना करूँगा कि कभी आप जल्दी बीमार ना पड़ें, और आप भी प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा सभी का भला करे, और मैं भी प्रार्थना करूँगा आपके लिए परमात्मा सभी का भला करे।